दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय थिंद आई हॉस्पिटल पठानकोट। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अर्की दौरे के दौरान जनता को झोली भर सौगातें दे गए। इसे अर्की उपचुनाव से पहले का मास्टर स्ट्रोक कहें या फिर अर्की से प्रत्याशी रहे रतनपाल के प्रति उनका स्नेह। मुख्यमंत्री ने अर्की निर्वाचन क्षेत्र के दाड़ला घाट को बीडीओ ऑफिस का दर्जा दिया। जिला स्तरीय ऐतिहासिक सायर मेला को राज्य स्तरीय मेला घोषित किया। कुनिहार व बेरल में पटवार सर्किल और ईएसआई अस्पताल दाड़ला घाट को अपग्रेड करके सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र करने जैसी घोषणाएं करके यह दर्शा ही दिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को केवल नुक्स निकालने का काम ही आता है। उन्होंने अर्की की जनता से आने वाले उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी का साथ देने की अपील करते हुए कहा कि इस बार परीक्षा में अच्छे अंक लाने हैं। इस आयोजन की कमान प्रदेश उपाध्यक्ष रतन पाल ने संभाली हुई थी और उन्होंने अपने कुशल मैनेजमेंट के दम पर एक बार फिर अपना कद ऊंचा कर लिया। वहाँ पर पीएससी है, पीएससी है, पीएससी है, लेकिन उसको ईएसआई ने कर दिया था। इस रूप सरकार ने, पूर्व में सरकार ने ईएसआई का हॉस्पिटल बना दिया था, लेकिन उसमें कह रहे हैं कि संचालन में थोड़ी कई तरह की कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि वो पूरी फुल फ्लेज हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ इंटेग्रेट की जाए, जोड़ी जाए, ताकि उसमें हम ठीक प्रकार से काम कर सकें। तो कहने की बात यह है कि इसको सीएससी का दर्जा मिलना चाहिए। तो मैं यहाँ करता हूँ ईएसआई में कन्वर्ट कर दें, इसको हम सीएससी बनाए दें, ताकि ये कंप्लीट कंट्रोल जो हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए बन सके। एक और बात कही है, एक हेल्थ सब सेंटर आपका बताया गया है कि बाका में है, ग्राम पंचायत बाका, और इसको अपग्रेड करने की बात कही, तो इसको भी मैं अपग्रेड करने की यहाँ पर घोषणा करता हूँ। तो और इसके अलावा एक और जगह कही आप लोगों ने, जो लोहार घाट में पीएससी है उसको भी सीएचसी करने की जो बात मांग की है यहाँ पर, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। बाकी अगर जरूरत ज्यादा होगी तो फिर यहाँ पर हमारे स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर चुनाव का काम भी आपका देखेंगे, ये करते रहे। एक स्कूल के सिलसिले में यहाँ पर बात कही, तो हालत जो है यहाँ पर जो जहाँ मुझे रुका भी था रास्ते में, टीचर्स वहाँ पर थे, तो वहाँ हालत में वहाँ कहा कि कमर्स की क्लासेस वहाँ पर होनी चाहिए, तो वो अच्छा कैंपस बन गया है, तो मैं वहाँ पर कमर्स की क्लासेस करने की शुरू करने की यहाँ पर घोषणा करता हूँ। और उसके साथ साथ में सीनियर सेकेंडरी स्कूल हालत में नए भवन के लिए भी कहा गया कि नया भवन वहाँ पर बनना चाहिए, और एजुकेशन डिपार्टमेंट के से जो है वो भी बजट के प्रोविजन करने का जो भी करना हो, उसके एस्टिमेशन के लिए मैं चाहूँगा पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ टेकअप करे, और उसके बाद वहाँ पर इसको इसके लिए नए भवन का वहाँ पर इंतजाम करने के लिए हमको पैसे का प्राप्त करें। इसके अतिरिक्त जो है यहाँ उस बातों को कहा गया कि टूरिज्म के साथ जोड़ने के लिए प्रयत्न किया जाएगा। बाड़ीधार का जिक्र किया गया है, बाड़ीधार के मंदिर का प्रांगण का जिक्र किया है। मैं पैसे की घोषणा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट को मैं जरूर कहूंगा कि दोनों स्थानों में क्या संभावनाएं हैं, क्या किया जा सकता है, जो किया जा सकता है उसमें हिमाचल प्रदेश सरकार पूरा सहयोग करेगी। जितने भी जो भी पड़ेगी उसमें निश्चित रूप से हमारा मदद करेगी। एक और बात कही गई यहाँ पर, कहा कि भाई एक यहाँ पर शायद मेला होता है आपके अर्की में, ये जिला स्तर का मेला है, ये बड़ा मेला होता है, तो हम पहाड़ के लोग जो है पहले हमारे पास एक ही तरीका होता था, मेला ही होता था, मेले में ही हम आनंद के साथ जाते थे, खुशी का इजहार करते थे, और कहा कि जिला स्तर का इस मेले को तो राज्य स्तरीय घोषित करने की बात कही गई है, तो जिला स्तरीय शायद मेले को भी मैं राज्य स्तरीय मेले की घोषणा करने की मांग करता हूँ। उसके अतिरिक्त यहाँ पर एक दो पटवार सर्कल का भी जिक्र आया है, और मुझे मालूम नहीं इसके लिए पटवार सर्कल के लिए आमतौर पर घोषणा नहीं होती है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, रिपोर्ट होती है उसमें, और उस रिपोर्ट के आधार पर जो है वो पटवार सर्कल वहाँ पर वो बनाए जाते हैं।
तो ये मैं आपके बीच में घोषणा करने के बजाय जो दो तीन चीजों का दर्ज ये बताया आपने, दो प्रवासक का मैं जिक्र कर रहा हूँ। एक ग्राम पंचायत बेरल में नया प्रवासक खोलने की बात है, तो बेरल से जहाँ पता है दो आदमी नहीं होने चाहिए, चलो आए हैं आपको बड़ी बात है। बेरल में नया प्रवासक की मैं घोषणा करता हूँ, एक और चीज जो यहाँ पर कही गई वो ये कहा गया कि कुनिहार में एक आईपीएच के सब डिवीजन के लिए मांग की गई है, मुझे मालूम नहीं है एक सेक्शन उसमें कितने हैं, लेकिन फिर भी मैं उसको स्वीकार कर रहा हूँ। मैंने विभाग के अधिकारी से बातें की, उन्होंने कहा कि जस्टिफिकेशन बनती है तो कुनिहार में आईपीएच का सब डिवीजन खोल दिया जाएगा और इसमें जो सेक्शन पढ़ने हैं उसका भी हम प्रावधान करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से यहाँ पर सुविधा मिल सके। उसी प्रकार से एक और जो आप लोगों ने जयनगर में कहा गया है, जयनगर से है कोई जयनगर से आए क्या आप लोग, सबके लिए खड़ा कर रहे हैं। जयनगर में ने कहा कि यहाँ पर पीडब्ल्यूडी का सम्मेलन यहाँ पर होना चाहिए, पीडब्ल्यूडी का सम्मेलन जो हमारी पंचायतें उस एरिया में पड़ती हैं, लगभग 30-32 पंचायतें पड़ती है जिनको ब्लॉक का ऑफिस आपका दूर पड़ता है, डाटा से लोग तो नहीं आए ज्यादा है, तो डाटा में एक वीडियो का ऑफिस खोलने की भी मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ। परीक्षा में परीक्षा का जो दौर आएगा उस परीक्षा का दौर को आप पूरा करिए, एक आईटीआई की बात कह रखी मैंने सुन रखी, और उसके बाद उस परीक्षा के दौर में अगर पास हुए, अगर नहीं पास तो होना ही है, अच्छे अंकों से पास होना है तो उसके बाद उस आईटीआई को ज्वाइन करेंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ, निश्चित रूप से आप सबके बीच में आप बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलकर के चलेंगे आगे बढ़ेंगे और अच्छी ढंग से